एवरीवन, सो दिस इज़ प्लेसेंटा। हेलो एवरीवन, सो ये व्लॉग मैं क्लास में बैठ के स्टार्ट कर रही थी, जहाँ कि मैम क्लास ले रही थी, मैम पढ़ा रही थी और मैं पीछे से अपना व्लॉग शूट कर रही थी चुपके चुपके से, फिर मैम के जाने का वेट कर रही थी। तो फ्रेंड्स, ये है हिमांशु, क्लास का बैड बॉय हिमांशु, जिसकी स्माइल बहुत ही ख़तरनाक है, जो मुझे ऐसे टीज़ किए जा रहा था बेफजूलियत में कि चल तुझे ये पार्टी कराता हूँ, तुझे ये कराता हूँ, पता नहीं क्या क्या अनशंट बोल रहा था। और यह अनीशा के फॉर्म में, इसे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख और मुझसे बोल रही जल्दी जल्दी रूम पर चल, खाना खाना है, फिर तो लेट करती है, पता नहीं क्या किया। और लंच टाइम हो रहा था, क्लास के बच्चे जाने वाले थे पर उनका काम तब भी ख़त्म ही नहीं हो रहा। फिर हम लंच वंच करके आ गए थे वापस से, फिर अपरजिता मैम क्लास। ओ गाइस, आज हमें हमारे एग्ज़ाम की कॉपीज़ मिली, जिसमें हमने उतना अच्छा देने पर ठीक ठाक स्कोर कर लिया था। और आगे मैम बहुत परेशान थी, हमारा किसी का काम कंप्लीट नहीं था, पर हमारे मैम ने हमें टॉपिक दिया प्लेसेंटा, तो आपको प्लेसेंटा दिखाती हूँ। जी है प्लेसेंटा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूँगी, मैं अपना नया ब्लॉग बनाऊँगी। तो आज मैं आप लोगों को प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है, और आपको प्लेसेंटा के बारे में बताने वाली हूँ। दिस इज मेटरनल पार्ट एंड दिस इज फीटल पार्ट, दूसरे सारे पार्ट फीटल पार्ट है, एंड दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड जो हमारी होती है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, अगर ये 60 सेंटीमीटर होगी या फिर 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी तो लॉन्ग कॉर्ड हो जाएगी, अगर ये 40 सेंटीमीटर से कम है तो फिर ये शॉर्ट कॉर्ड में आ जाएगा। और इसके बाहर जो ये वाइट वाइट पार्ट आपको दिख रहा है, इसे वॉल्टन जेली कहते हैं, इसके अंदर 2 आर्टरी और एक वेन होती है। तो फ्रेंड्स, ये स्कल है, पता नहीं किसी ने स्कल का बहुत बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। ये मैं ना एक जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें इस पूरे स्कल को एक्सप्लेन करूंगी, और उस दिन मैं इस स्कल को अपने घर ले जाने की पूरी कोशिश करूंगी, भाड़े में इशू कराऊंगी मैं इसे OBG लैब से। और मेरी क्लास चल रही, मैम आगे बैठी है, मैम को मत मैम आगे बैठी है, तो मैं डर के बारे आपको मैम नहीं दिखा पा रही, मैं कोशिश करूँगी मैम को दिखाऊँ। फ्रेंड्स, हम नर्सों से काम कभी ख़त्म नहीं होता। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय।